नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंडअप। आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक बार फिर से होने जा रही है, यानी कि कांग्रेस की सीईसी की यह बैठक है और छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर जो पेच फंसा है उस पेच को खोलने की कोशिश की जाएगी। 5 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जो हैं वो न्यूज 18 आपको सबसे पहले बता रहा है। सरगुजा से शशि सिंह या प्रेम साय सिंह टेकाम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा रायगढ़ से लालजीत राठिया या फिर चक्रधर सिदार या फिर रामनाथ सिदार को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बिलासपुर से चल रहा है नाम किस किस का, विष्णु यादव या फिर देवेंद्र यादव संभावित उम्मीदवार हैं। और कांकेर की एक सीट जो है यहां से वीरेश ठाकुर या फिर अनिला भेड़िया या फिर दीपक बैज, इनको मैदान में उतारा जा सकता है। दीपक बैज का नाम यहां से भी चल रहा है, कांकेर से भी, और एक जगह और है। कौन सी सीट है ये? बस्तर की सीट है। बस्तर सीट से भी खबर सामने आ रही है कि बस्तर से दीपक बैज या हरीश लखमा जो कि कवासी लखमा के बेटे हैं, जिनके पिता कवासी लखमा पूर्व मंत्री जो हैं, विधायक हैं, उन्होंने उनके लिए कोशिश की कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए, तो ये भी प्रयास चल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इनको टिकट दिया जा सकता है। दीपक बैज का भी नाम चल रहा है। उधर झाबुआ में केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से बयान आया। भानु प्रताप सिंह ने बयान दिया है कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उन्होंने बयान दिया कि चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। यह बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है कि सीएए चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा और सख्त कानून लागू करेगी मोदी सरकार। सख्त कानून देश के हित में होगा और जनता की भलाई के लिए हर कदम उठाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव से पहले सीए लागू होने की बात उनके द्वारा कही गई है और सख्त कानून लागू होगा, देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा। सीए को लेकर ये कानून लागू होगा भाई चुनाव में? हाँ, नहीं, वो हाँ पार्टी के नेता जो कह रहा है ऐसे थोड़ी कहता है। पार्टी नेता सीए का कानून लागू होगा भाई, हाँ बिल्कुल लागू होगा, जनता की भलाई के लिए ही तो हम सरकार बना रहे हैं भाई। इधर बालोद में सड़क हादसा पेश आया जहां पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया ये